हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आज हम जो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है यंग्स एक्सपेरिमेंट में, उसके अंदर दो नैरो स्लिट्स होता है S1 और S2, जहां पर सनलाइट जो है वो इंसिडेंट होता है किसी दूसरे स्लिट से, जो कि यहाँ पे फिगर में दिखाया है। सनलाइट जो है एक स्लिट से, जिसको हम शटर कहेंगे, वहां से इंसिडेंट होता है स्लिट S1 और S2 पे। और जो स्लिट S1 और S2 है वो शटर से इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट है और सिमेट्रिकली जो है वो प्लेस्ड है। उन दोनों का जो फिगर है, शेप है, वो सेम डायरेक्शन में है। यहाँ पे स्लिट जो है वो खड़ा रखा है, ऐसे नीचे उल्टा नहीं रखा है, लेफ्ट टू राइट नहीं रखा है, हॉरिजेंटल नहीं है, वर्टिकल है, तो उसी को हम कहेंगे सिमेट्रिकल। तो ये जो स्लिट दोनों है वो शटर से सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। फिर यहाँ से जो स्लिट S1 और S2 है, वहाँ से लाइट जो है वो स्क्रीन पे जाएगा और उस स्क्रीन पे हमें कलर बैंड्स, अलग अलग कलर के बैंड्स जो है नज़र आएगा, जिसको हम कहते हैं फ्रिंजेस। जब हम वाइट लाइट को यूज़ करेंगे तो हमें जो है सिर्फ फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस देखने को मिलेगा, क्योंकि वाइट लाइट के अंदर जो है बहुत सारे कलर्स प्रेजेंट होते हैं, विबग्योर होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमें बैंड जो है वो अच्छी तरीके से नज़र नहीं आएगा। तो वेल डिफाइंड इंटरफेरेंस पैटर्न को देखने के लिए हमें मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट को यूज़ करना है। जो मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट है उसमें सिर्फ एक ही कलर होगा और हमें इंटरफेरेंस पैटर्न यानी कि जो फ्रिंजेस है वो अच्छी तरीके से नजर आएगा। मोनोक्रोमैटिक लाइट के साथ हमें जो है अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस देखने को मिलेगा। एक ऐसा फ्रिंज जो कि डार्क होगा, फिर ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क, फिर ब्राइट, वैसे हमें फ्रिंज देखने को मिलेगा। जो ब्राइट फ्रिंज है उसको हम मैक्सिमम कहते हैं और जो डार्क फ्रिंज है उसको हम मिनिमम कहते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न का। और जो इंटरफेरेंस है लाइट वेव्स का, वो हम ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले जो शटर है वो प्राइमरी वेव फ्रंट का सोर्स की तरह एक्ट करता है, और जो शटर और S1 और S2 को हम क्या कंसिडर करेंगे, पॉइंट्स कंसिडर करेंगे। हम सपोज करते हैं, ठीक है, हम सपोज करते हैं कि जो शटर है और जो स्लिट S1 और S2 है वो पॉइंट्स है। अब ये जो शटर है वहाँ से स्फेरिकल वेव फ्रंट बाहर की तरफ आएगा, यहाँ पे फिगर में दिखाया है। अब ये जो लाइट है वो ट्रांसवर्स वेव्स है। जो लाइट है वो एज अ ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल करता है, तो वेव फ्रंट में जो है क्रस्ट और टर्फ होगा अल्टरनेट, तो हमें उसी को अज्यूम करना है। जो सॉलिड सर्कुलर लाइंस है वो क्रस्ट को डिनोट करता है और जो डॉटेड सर्कुलर लाइंस है वो ट्रस को डिनोट करता है, ठीक है। जो प्राइमरी वेव फ्रंट है, हर प्राइमरी वेव फ्रंट जो है वो रीच करेगा स्लिट S1 और S2 को साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम, और वहां से सेकेंडरी वेव फ्रंट ओरिजिनेट होगा। नाउ जो दो सेट्स ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट्स है जो कि S1 और S2 से ओरिजिनेट होता है, वो सुपर इम्पोज करता है स्पेस में बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन। यहाँ से जो दो क्रेस्ट या टर्व्स ओरिजिनेट होगा, दो वेव फ्रंट्स ओरिजिनेट होगा, वो दोनों जो है इस रीजन में, स्क्रीन और ये जो स्लिट वाले रीजन है उसके बीच में सुपर इम्पोज करेगा, एक दूसरे के रास्ते में आएगा, एक दूसरे को कट करेगा, ऐड करेगा, ठीक है। और वो पॉइंट जहाँ पे जो क्रेस्ट है एक वेव फ्रंट का जो कि S1 से आया है, वो इंटरसेक्ट करेगा दूसरे वेव फ्रंट के क्रेस्ट से जो कि S2 से आया है, वहाँ पे हमें डबल क्रेस्ट मिलेगा। और उसी तरीके से वो पॉइंट जहाँ पे जो ट्रफ है एक वेव फ्रंट का जो कि S1 से आया है, वो इंटरसेक्ट करेगा दूसरे वेव फ्रंट के ट्रफ से जो कि S2 से आया है, वहाँ पे हमें डबल ट्रफ मिलेगा। यानी कि जब दो क्रेस्ट अलग स्लिट से आए होंगे वो दोनों इंटरसेक्ट करेगा तो हमें मिलेगा डबल क्रेस्ट। वही केस ट्रफ के केस में भी है। अब जो लाइट है, लाइट का इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होता है, तो डबल क्रेस्ट और डबल ट्रफ का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अ सिंगल क्रेस्ट या सिंगल ट्रफ, तो उसका
इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगा क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। लेकिन वो पॉइंट्स जहाँ पे एक स्लिट में से हमें क्रस्ट मिलेगा और दूसरे स्लिट में से हमें ट्रफ मिलेगा और उन दोनों का वेव फ्रंट इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट पे जो वेव का एम्पलीट्यूड है वो सबसे कम होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिगर में हम देख सकते हैं कि जो लोकेशन है डबल क्रस्ट का उसको हमने ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट किया है और जो लोकेशन है मिनिमम एम्पलीट्यूड का यानी कि जहाँ पे क्रस्ट और टर्फ आता है उसको हमने होलो डॉट से रिप्रेजेंट किया है। और ये सारे डॉट जो है एक स्ट्रेट लाइन में एग्जिस्ट होता है, स्ट्रेट लाइन में लाई करता है जो कि एक मिड पॉइंट से ओरिजिनेट हुआ है स्लिट S1 और S2 के। जो स्लिट S1 और S2 उसके मिड पॉइंट से जो लाइंस है वो ओरिजिनेट हुआ है वैसा लगता है यहाँ पे फिगर में हमें। ठीक है, और जितने भी जो सॉलिड डॉट्स है या हॉलो डॉट्स है वो हमें स्ट्रेट लाइन में नजर आ रहा है, वो एक लाइन में बैठा हुआ है ये जो डॉट्स है। यहाँ पे वो लाइन जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उसको हम कहते हैं एंटी नोडल लाइन्स और वो लाइन जिसका एम्पलीट्यूड कम होगा उसको हम कहते हैं नोडल लाइन्स। नोडल लाइन्स पे ये जो हॉलो जहाँ पे क्रस्ट और टर्फ इंटरसेक्ट हुआ है वो वाले पोर्शन आते हैं और एंटी नोडल लाइंस में डबल क्रस्ट और डबल टर्फ वाले पोर्शंस आते हैं। अब वो पॉइंट जहाँ पे जो नोडल लाइन है वो स्क्रीन को मीट करेगा वहाँ पे हमें जो है मिनिमम मिलेगा, इंटरफेरेंस जो है वो मिनिमम मिलेगा। और वो पॉइंट जहाँ पे जो एंटी नोडल लाइन्स है वो क्या करेगा, स्क्रीन को मीट करेगा वहाँ पे जो है हमें इंटरफेरेंस मैक्सिमम मिलेगा, यानी कि ओ पे हमें मैक्सिमम, ए और बी पे हमें मिनिमम मिलेगा। जो लाइट इंटेंसिटी है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है मिनिमम से कंसेक्यूटिव मैक्सिमम। यहाँ पे बी मिनिमम है, कंसेक्यूटिव उसके पास वाला मैक्सिमम है ओ, तो जो लाइट इंटेंसिटी है वो बी से ओ तक क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब हम एक मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जाएंगे उसके पास वाले, उधर जो है उसका लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज होगा। तो यही है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसमें एक्सपेरिमेंटल सेटअप और फ्रिंजेस कैसे बनता है उसके बारे में कहा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।